अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं उमर वर्कशॉप। आज मैं बात करूंगा इस ब्रूडर के वाले से जिसका साइज़ है 3 फीट बाय 3 फीट का डायमीटर और ऊंचाई है इसकी 16 इंचेस। इसका जो डायमीटर है 3 फीट बाय 3 फीट की गोलाई में है और ये जो इसकी जो डायमीटर है ऑल ओवर वो तकरीबन कोई 8 फीट यहाँ तक इसका बन रहा है। तो मींस के ये पूरा का पूरा 9 फीट इसकी डायमीटर होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें तकरीबन कोई 100-150 तक के चूज़े आराम से आ जाते हैं। अगर हैवी के हैं तो फिर 100 आएंगे और छोटे चूज़े होते हैं तो 150 आएंगे। इसमें हम जब इनसाइड देखते हैं तो आपको दिखता है एक हीटर है, एक आपका LED है और एक आपका सेंसर है। यहाँ पे जो है चूज़ों को रखा जाता है और यहीं पे जो है चूज़ों का दाना पानी भी रखा जा सकता है, यहीं पे चूज़े रहते हैं। राउंड में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जो चूज़े हैं उनको कॉर्नर नहीं मिलता। अगर आप देखें कहीं कॉर्नर नहीं है सीधा, तो जो चूज़े होते हैं वो चलते फिरते रहते हैं, उनके बैक पे चूज़े जमा नहीं होते, आगे वाले चूज़े एक्सपायर नहीं होते। तो इसका ये एक फ़ायदा होता है गोल राउंड में बनाने का। इसमें जो हमने टेम्परेचर कंट्रोलर इस्तेमाल किया है वो W1209 है और इसमें जो मौजूद है ये जो उसका हमने टेम्परेचर सेट किया हुआ है वो किया हुआ है हमने 35 से लेके हमने इसकी जो इंटरनल सेटिंग करी है P0 पे हमने H किया हुआ है और P1 पे हमने इसको 3 डिग्री का डिफरेंस दिया हुआ है और इसके बाद फिर हम P2 पे इसका जो हमने मैक्सिमम टेम्परेचर रखा हुआ है 37 है, उससे ऊपर नहीं जाएगा। और उसके बाद P6 पे इसकी हम अलार्म भी लगा सकते हैं कि उस पे जाके ये पूरा का पूरा चलना ही बंद हो जाए ताकि ओवरहीट होने से बच जाए। तो ये जो है हमारा एक काफ़ी बड़ा जो साइज़ होता है ब्रूडर का वो है और इसमें ऊपर की तरफ आपके पास विंडो भी होती है जहाँ से आप देख भी सकते हैं अंदर और यहीं से वेंटिलेशन भी आउट होती रहती है, यहीं से हवा अंदर जाती है यहीं से बाहर आती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ये जो मैंने यूज़ करी है शीट, ये चिपबोर्ड लेमिनेशन है और ये ग्लॉस वाली है। अगर आप देखें तो इसमें आपको जो रिफ्लेक्शन है वो दिख रही होगी। तो नॉर्मली तौर पे अगर इसको आप इंडोर यूज़ करते हैं तो बेहतरीन है, लेकिन इसको आउटडोर यूज़ करेंगे तो पानी गिरने से काफ़ी देर तक बचा रहेगा लेकिन वाटरप्रूफ नहीं होता। तो आप लसानी यूज़ करें, चिपबोर्ड यूज़ करें, कोई भी शीट यूज़ करेंगे वो वाटरप्रूफ नहीं होती। तो उसको बस एक वार्निश का एक 2-3 कोट लगा के, वार्निश या पॉलीथीन जो भी आ रहा हो आजकल मिल जाए आपको, जो वुडन के ऊपर लगाते हैं वो लगाएंगे तो और ज़्यादा बच जाएगा। तो उसको फिर आउटडोर भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो कंजम्पशन है इसमें आप देखें जो हमने LED बल्ब लगाया हुआ है वो 5 वाट के करीब है और हीटर 100 वाट है, यानी कि कुल मिला के आपके 100, 103 या 110 वाट यूज़ करेगा। इसमें अगर आप देखें कि जो LED है वो ऑल द टाइम चलती रहेगी। LED का मकसद सिर्फ इतना होता है कि जो चूज़े होते हैं खाना खा रहे होते हैं जब लाइट जाती है, जैसे कि अभी हीटर की लाइट गई तो ये बंद खुल होता रहेगा, तो उस दौरान इनके पास कोई लाइट नहीं होती चूज़ों के पास, तो उनको पता नहीं चलता कि अब खाना है या बैठना है, कहाँ क्या करना है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप LED बल्ब लगा सकते हैं, 5 वाट की है 3 वाट की लगा लें। तो उनको बस इतनी रोशनी चाहिए होती है कि उनको पता रहे कि कहाँ खाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ पानी है, तो इतनी देर के लिए, वरना उसकी ज़रूरत नहीं होती कि वो हीटिंग के टाइम पे भी काफ़ी अच्छा खासा कर लेते हैं मैनेज। तो ये जो है ब्रूडर है बिग साइज़ 3 फीट बाय 3 फीट, ये आप ख़ुद ही बना सकते हैं। ऑलरेडी इसका जो ट्यूटोरियल है अगर आप ख़ुद से बनाना चाह रहे हैं तो उसका ट्यूटोरियल भी मौजूद है, या तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो उसको देख के आप अपना ख़ुद का भी बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।